नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डिजिटल ट्रेडर अतुल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम फाइंड कर सकते हैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। मैं हमेशा से प्राइस एक्शन की बात करता हूं, चाहे वो आपका हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स, सप्लाई एंड डिमांड। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बेसिकली हमें यह समझना होगा कि हम गलती कहाँ पे करते हैं ट्रेड लेते वक्त। 80% ऑफ द बिगनर ट्रेडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लेता है, सीख लेता है, लेकिन फिर भी हमेशा उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। अगर होते हैं तो यार कमेंट कर देना, क्योंकि उन्हें एंट्री लेने के पीछे जो साइंस है वो अभी तक पता ही नहीं है या उन्हें बताई नहीं गई। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी लर्निंग रेगुलर वीडियोस आती रहती हैं। अब आप पूछोगे, अतुल भाई इसके पीछे का साइंस क्या है? तो सिंपल सा आंसर है, जब भी मार्केट में प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास होता है, मार्केट कभी डायरेक्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करेगा। इसलिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको समझना होता है मार्केट बिहेवियर, जिसके बारे में पूरे यूट्यूब पे कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं आपको यहाँ पे दो टॉप नॉच एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, जिसमें आपका रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न दोनों इन्वॉल्व्ड होगा, और इसमें आप समझोगे कि कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, आइडेंटिफाई कन्फर्मेशन इन द मार्केट कैसे कर सकते हैं, और रिकोगनाइज कैसे करेंगे कि मार्केट का मोमेंटम किधर की साइड शिफ्ट होने वाला है, जो कि बहुत सारे नए ट्रेडर समझ नहीं पाते। मैं एक आपके सामने चार्ट ओपन करा है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये है आपका आवर्ली टाइम फ्रेम, और एक मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ 15 मिनट का टाइम फ्रेम। आवर्ली टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है अपसाइड मोमेंटम में, यानी हायर हाई फॉर्मेशन ये बना के चल रहा है। इसके साइड में मिलेगा आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जो कि आपका हाई एंड लो फॉर्मेशन फॉर्म कर रहा है। वापस हम फोकस करेंगे एक घंटे वाले चार्ट पैटर्न पे। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है पीछे से मार्केट ने काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम बनाया और प्रीवियस जो हमारा स्विंग हाई था उसे भी ब्रेक करा। लेकिन क्या मार्केट ने वहाँ पे सस्टेन करा? नहीं, मार्केट जैसे ही वहाँ पे ब्रेकआउट करता है कंटिन्यूएशन ऊपर के साइड से रिजेक्शन हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे कंडीशन आती है, नए लोग क्या करते हैं, जैसे ही उन्हें दिखा वहाँ से ऊपर के साइड रिजेक्शन आया, वो वहाँ पे अर्ली एंट्री करके स्टॉप लॉस खा लेते हैं। और यही गलती हमें नहीं करनी ट्रेडर्स, हमें यहाँ पे सिर्फ पेशेंसली वेट करना है मार्केट को रिटेस्ट करने के लिए। जिस लेवल से ये इसमें ब्रेकडाउन आया, रिजेक्शन आया, क्या उस लेवल को दोबारा ये रिटेस्ट करेगा या नहीं करेगा, सिर्फ हमें यही देखना है फिलहाल। तो क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन निकल के आ सकती है, या तो ये रिटेस्ट करके दोबारा नीचे की साइड आ जाए जहाँ पे बियर हमारे और ज़्यादा आ जाएंगे, या वापस जिस लेवल से रिजेक्ट हुआ था ऊपर के साइड ब्रेकआउट कर जाए। क्योंकि पीछे का मार्केट अगर हम देखें एक घंटे के टाइम फ्रेम में, पूरा ओवरऑल मार्केट बुलिश है, तो इसलिए हमें यहाँ पे पेशेंसली वेट करना होगा। इसलिए यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट आता है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब हम क्या करते हैं, जो वो हमारा एक घंटे का टाइम फ्रेम है उसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन करते हैं और देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिलता है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिलता है कि मार्केट ने रिटेस्ट ले लिया है, और जिस लेवल से रिटेस्ट हुआ था हमें वहाँ का पैटर्न चेक करना है कि वहाँ पे किस टाइप का एक कॉन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट के स्ट्रक्चर से हमें देखने को मिलता है मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ना तो ऊपर की साइड ब्रेकडाउन दे रहा है, काइंड ऑफ एक बॉक्स में बंद हो गया है। तो यहाँ पे अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट किसी टाइप का पैटर्न बनाए, चाहे तो वो आपका बिरिश इनगल्फिंग पैटर्न हो, चाहे आपका डबल टॉप पैटर्न हो, चाहे आपका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर या हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, जिससे कि मार्केट में हमें कंफर्मेशन मिल पाए कि हाँ कि मार्केट सारा बिरिश हो चुका है और हम एक अच्छी एंट्री वहाँ पे बना पाएँ। यही होता है एक ट्रेडर का कि पेशेंसली वो वेट करे अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए, फाइंड करे, देन ही वहाँ पे एंट्री ले। तो जैसे ही हमें कुछ कन्फर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, हम वहाँ पे सिंपल अपनी एंट्री बना लेंगे ब्रेकडाउन पॉइंट पे, और इसमें हमारा जो एसएल रहेगा हमेशा प्रीवियस स्विंग्स के हाई पे हमारा एसएल रहेगा, और टारगेट इसमें हम जो रखेंगे 1:2, 1:3, 1:4 अकॉर्डिंगली रख के चल सकते हैं ट्रेड में। और एट द एंड आपको टारगेट लेते ही निकल जाना है, क्योंकि बाद में मार्केट पुल बैक करके रिवर्स भी ले सकते हैं। इसलिए जब आपका टारगेट्स आ जाए तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है और सब्सक्राइब कर लेना है डिजिटल ट्रेडर अतुल को। नाउ यार, अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है चार्ट आपका पूरा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, साथ में हमें इसमें देखने को मिल रहा है बीच के आवर में इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एक जोन दिखाई देता है जिसे मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, जिसमें कि काफी मशक्कत करने के बाद
इसने नीचे की साइड ब्रेक डाउन दिया। तो एक घंटे के टाइम फ्रेम पे तो हमें पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो गई है कि इसे स्टॉक को हमें सेल करना है। और नीचे की साइड इसने अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेक डाउन करा और रिटेस्ट भी यहाँ पे कर दिया है सेम लेवल से। सो वी आर सीकिंग टू सेल। इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं की लेवल हमें देखने होंगे नंबर ऑफ रिजेक्शन। तो हमने यहाँ पे काफ़ी बार रिजेक्शन देखा सपोर्ट पे कि बार बार स्टॉक सपोर्ट पे आ रहा था लेकिन ब्रेक डाउन नहीं दे रहा था, लेकिन बाद में इसने फाइनली ब्रेक डाउन दे दिया। और फ्रेश पॉइंट ऑफ कंट्रोल उसी टाइम पे यहाँ पे इसमें हमें कंट्रोल दिखाई दे रहा था, लेकिन हम इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। पिछले एग्जाम्पल की तरह इसमें भी हमें वेट करना है बिल्कुल रिटेस्ट का कि क्या ये फाइनली नीचे की साइड जाएगा या नहीं। तो इसलिए वेट करेंगे और चलेंगे यहाँ पे छोटी टाइम फ्रेम पे, यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे इसमें हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है और काफी एक अच्छी कैंडल नीचे से पुल बैक ले गई है ऊपर की तरफ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन जहां पे मार्केट ने एक घंटे के टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन दिया था उसी लेवल के आसपास 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमें मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया है, प्राइस ने रिजेक्शन दिखाया है, आपकी रेड कैंडल वहीं से बननी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट की लेवल्स दिखाई देंगे जिससे हम एक इंडिकेटर है इसकी हेल्प से हम देख सकते हैं किस जगह सबसे ज़्यादा सेलिंग हमें दिखाई दे रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और वहीं से ही हम अपनी सेलिंग या एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल आपको जो स्टॉप लॉस रहेगा उस की लेवल के ऊपर यानी रेजिस्टेंस के ऊपर होगा, एंड इसमें आप जो टारगेट बना के चलेंगे सिंपल 1:2 या 1:3 तक का टारगेट बना के चल सकते हैं। तो सिंपल आपको उसी की लेवल से आपकी एंट्री होगी एंड देन आप रेडी टू गो हो, आपका मैंने टारगेट एंड स्टॉप लॉस बता दिया है। इन फ्यूचर बहुत सारी यार लर्निंग वीडियोस आ रही हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिजिटल ट्रेडर अतुल। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम लिंक डाला है जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट की लेवल्स मार्केट के देखने को मिल जाते हैं। वीडियो को एंड करता हूँ, धन्यवाद।